बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंटरमीडिएट के इम्तहानात उनके सोल्यूशन के हवाले से नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज हम बात करने वाले हैं आज के पेपर इस्लामियात के, इंटरमीडिएट के पेपर इस्लामियात के एमसीक्यूज़ के सोल्यूशन के बारे में। तो देख लेते हैं कि सोल्यूशंस क्या हैं, सही आंसर क्या हैं एमसीक्यूज़ के। लेकिन एमसीक्यूज़ के सोल्यूशन बताने से पहले ये मैं बताते चलूँ कि आज मैं थोड़ा सा शोर शराबे की जगह पर हूँ, ठीक है। तो वीडियो बना रहा हूं लेकिन ये कि इंशाल्लाह आपको समझ में ज़रूर आएगा, अगर समझ में नहीं भी आया तो इंशाल्लाह निशानात से आपको ज़रूर पता चल जाएगा। तो देख लेते हैं एमसीक्यूज़ को। पहला है हमारे पास हदीस के लुग़वी माने हैं बातचीत करना, ठीक है। कुरान की सूरत में सौम की फ़र्ज़ियत का जिक्र है सूरत अल-बक़रा। लफ्ज़ आख़िरत के लुग़वी माने हैं बाद में होने वाली चीज़, ठीक है। सिला रहमी का मतलब है रिश्तेदारों से हुस्न सलूक, ठीक है। नंबर फाइव हमारे पास हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारक तफसीर है क़ुरान की। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को शहर मुआसात फ़नफ़ारी का महीना करार दिया। रमज़ान इंसानों के नाम आमाल लिखने वाले फ़रिश्तों का नाम किरामन कातिबीन है। बेशक अल्लाह हुक्म देता है अदल और एहसान का, ठीक है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हिफाजत हदीस की नीयत से इस हिजरी मुख्तलिफ शहरों के हुकाम के नाम फरामीन भेजे। 99 पुख्ता और अटल नज़रियात को कहा जाता है अकायद। कुरान करीम के वास्मा जो आयात कुरानिया से माखूज हैं उनकी तादाद 55 है। जामिल कुरान हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को कहा जाता है। नंबर 13 है इस जंग में कई सौ हुफाज और कुर्रा शहीद हुए जंग यमामा। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है वालदैन की नाफरमानी। इन सहाबी का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु मुस्तफ़ा ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत हज़रत सईद बिन अलआस रज़ी अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सहाबी ने कहा था मैंने कभी अपने बच्चों को प्यार नहीं किया। अकरा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह ताला क़ायदे इस्लाम की तादाद, ये थोड़ा सा अलग सवाल है लेकिन बहरहाल कहना है ये जो सात इसमें से ये आमंत बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही के हिसाब से, ठीक है। अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराने वाला मुशरिक कहलाता है, ठीक है। इबादत की कबूलियत की लाजमी शर्त है कस्ब हलाल। कुरान मजीद की इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन्नबीयीन कहा गया है सूरत अल-अहज़ाब। तो ये थे आज के आपके एमसीक्यूज़ इस्लामियात के। थोड़ा सा शोर है वीडियो में, इसके लिए माजरत। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों से शेयर करें और आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।